प्रभातम। आज हम लोग आठवीं कक्षा की पाठ पुस्तक संस्कृत रुचिरा के पाठ नौ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सप्त भगिनियः। इस पाठ में भारत के उत्तर पूर्व के सात राज्यों के विषय में चर्चा की गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विशिष्टता समान है। अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती है और कहती है, सुप्रभातम। सुप्रभात छात्रा, सभी छात्र कहते हैं सुप्रभातम सुप्रभातम, सुप्रभात सुप्रभात। अध्यापिका कहती है, भवतो अद्य किं पठनीयम्। अच्छा, आज क्या पढ़ना है? छात्रा, वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। अध्यापिका, शोभनम, बहुत अच्छा। बदत, बोलो। लोटलकार, मध्यम पुरुष, बहुवचन। मध्यम पुरुष के प्रत्यय हैं और तम, तो। बद, बदतम, बदत। बोलो, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में कितने राज्य हैं? सायरा कहती है, चतुर्विंशति महोदय। महोदया, 24। सिल्वी कहती है, नौ ही महाभागे। नहीं नहीं महोदया, पंचविंशति राज्यानि सन्ति। 25 राज्य हैं। अध्यापिका कहती है, अन्यः कोऽपि, दूसरा कोई भी। सरा, मध्य एव, बीच में ही। महोदये, महोदया, मे भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यत् जोर अस्माकम्, यदस्माकम्, यदि वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण हो तथा कोई स्वर हो तो प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जैसे जगत जोर ईशह, जगदीशह, उसी तरह से यत का अर्थ होता है कि, अस्माकम, यदस्माकम, यत जोर अस्माकम। मेरी बहन कहती है कि अस्माकम देशे अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति। हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतत जोर अतिरिच्य, तो का तो हो गया। इसके अतिरिक्त सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। इसके अतिरिक्त 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अध्यापिका, सम्यक जोर जानाति, को का गो हो गया। सम्यक, ठीक जानती है। ते भगिनी, तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु, अच्छा। अपि जानित्युयम्, क्या तुम सब जानती हो। यत् जोर एतेषु, यदेतेषु, कि एतेषु राज्येषु सप्त राज्यानाम् एकः समवायः अस्ति। इन राज्यों में 7 राज्यों का एक समूह है। यह सप्त भगिन्यः इति नामना प्रथितः जोर अस्ति, जो सप्त भगिनी इस नाम से प्रसिद्ध है। नाम नामे तृतीया भक्ति एक वचन है। प्रथितः जोर अस्ति, प्रसिद्ध है। शेष गद्यांश का हिंदी अनुवाद अगले वीडियो में बताया जाएगा। धन्यवाद आपका।